मेरा नाम अनीता और मेरे गांव का नाम बाएं और मेरी छोटी सी फैमिली है, एक लड़का है एक लड़की है मेरी। और मैं तो ये छोटा सा काम मैंने शुरू किया, शुरू में तो बहुत छोटा काम था, थोड़े से पैसे लगा के 5,000 रुपये में मैंने ये काम स्टार्ट किया। यही दिक्कत आई शुरू में कि मैं ये काम शुरू कर रही हूँ तो मेरे से पैसे की व्यवस्था नहीं होगी। तो 2 साल तो हमारी कह रही ना व्यवस्था बहुत ज़्यादा डगमगाई, बच्चों की फीस के लिए हमें जगह जगह से मांगना पड़ता था। अगर घर में 2,000 की जरूरत होगी, घर में खर्चे तो आपको बोल रहे हैं वो ज़्यादा आते हैं, हमारे तो परिवार भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखो चूड़ा बनाने के लिए ना सबसे पहले हम केमिकल की आवश्यकता होती है सबसे पहले। तो केमिकल लाने के बाद देखो केमिकल अगर हम एक चूड़ा बना रहे हैं तो इसके लिए एक एक चम्मच डाली जाती है इसके अंदर। एक चम्मच से वाइट केमिकल की डाल लो, एक ब्लैक केमिकल की डाल लो। उसके बाद जैसे हम रेड कलर का बना रहे हैं, ग्रीन का बना रहे हैं, वाइट का बना रहे हैं, ब्लैक का, जैसे ही कलर बना रहे हैं चूड़े का, तो वो कलर डाल लिया हमने, रेड डालना तो रेड डाल लिया, ग्रीन डालना तो ग्रीन डाल दिया, दोनों केमिकल डाल के और फिर हमने दोनों केमिकलों को ऐसे मिला लिया। तो गर्मी में तो बहुत ज़्यादा जल्दी घुल जाता है क्योंकि पतला होता है गर्मी के कारण, और सर्दियों में तो देखा है हीटर के आगे पिघाल के फिर मिलाना पड़ता है हमें। इनको मिला के फिर हमने चूड़ियाँ जो ये संचा होता है उस पर चूड़ी चढ़ाती है। अगर 2 चूड़ियों चढ़ाती है 2 चढ़ा लो, ये टाइट कर लो, 6 चूड़ियों पर गत्ता टाइट कर लिया, 2 चूड़ियों तो 2 पर टाइट कर लिया, फिर इन पर वो जो गोल बनाया होता है वो सारा इस पर चढ़ा देते हैं चूड़ों पर। चूड़ों पर चढ़ाने के बाद कई बार हम देखते हैं देखे ऐसे भी टाइट हुआ है या हाथ के चिपकी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ऐसे देखते हैं। अगर ज़्यादा गिल्ला है तो पता लग जाएगा कि एक लार सी आएगी, अगर नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, फिर ये गिल्ला है। इसके बाद हम जो डिज़ाइन दिया हुआ है या ऑर्डर किया हुआ है वो डिज़ाइन इसके अंदर ऊपर निकाल लेते हैं। फिर इसको कम से कम गर्मियों में तो 2 घंटों में पूरा चूड़ा तैयार हो जाता है, लेकिन सर्दियों में तो ऐसा मानो शाम के टाइम पूरा काम होने के बाद चूड़े को इस संचे से निकाला जाता है बाहर, ये गत्ते निकाल लेते हैं पूरे और इसको बाहर लिया जाता है। तो उनको साफ़ करके टोटल माल को हम उतार के संचे से साफ कर लेते हैं। साफ करने के बाद हम आपको जैसे अखबार लेके पैकिंग करनी है तो पूरा 2 का बंडल, 4 कड़ों का बंडल, 6 कड़ों, 10 का ऐसे बंडल बनाते हैं। हम बंडल बना के अखबार में उसकी पूरी थैली में पैक कर देते हैं और जो माल जितना मंगवाया है इसे कार्टून में पैक किया और थोक वाली दुकान पर बेच देते हैं। बैंगल बनाने का काम देखो वैसे मेरी पढ़ाई भी अच्छी हुई है, बीए एम ए टोटल मैंने कर ली, इसमें बीएड मैंने कई दिन तक तो टीचर की तैयारी भी की, इसमें मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। एक बार जैसे मैं गर्मियों का दिन था ऐसे बैठी थी तो मेरे पास हमारे गांव की यानी पड़ोसी की कोई लेडीज आई, तो मैंने कहा चल चूड़ी लेने चलते हैं चल, तो मैं उनके घर चली गई। तो सबसे पहले मैंने उनको गौर से देखा कि ये चूड़ी कैसे बना रही है और उनका धंधा भी देखा, ग्राहक आ रहे थे अच्छे पैसे ले, उनसे पैसे ले रहे थे चूड़ी बेच रहे, तो मेरे घर में आके ऐसा लगा मेरे को कि ये धंधा मैं भी करूँगा। उस टाइम को देखो मेरे को ये पता था 2,000 रुपये की जरूरत पड़ती थी, तो उस टाइम मैंने पास वाले से जाके मांग के लाना पड़ता था मेरे को 2,000, 2,500 ब्याज भी लाती थी मैं 2,000, अब मैं खुद भी देनी पड़ता है, खुद देती हूँ। हमने बताया इनको कि आप SVP से लोन ले लो, तो इनकी व्यापार योजना बनाई हमने, ये माल चल सकता है, इनका चूड़ा भी ले जाके सैंपल दिखाया था हमने, व्यापार योजना बना के उनको लोन दिलवाया। लोन दिलवाने के बाद में हमारे बादरा इनकी बात की थी माल की, जैसे कच्चा माल लाओगे तो वहाँ से लेके आओ दुकान पे, वहाँ पे आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा, तो वहाँ पे सस्ता सामान दिलवाया इनको। तो हमने सोचा कि अब तारानगर में बड़े दुकान है उन पे जाके पूछ सकते, तो तारानगर में दुकान वाला बोल रहा है कि हम ले लेंगे इनको थोक में, जैसे है तो 100 रुपये की दी तो हम 90 रुपये में थोक में लेंगे, तो इनको 100 चूड़े बनवाने देने पड़ेंगे। और इनकी डिजाइन बहुत अच्छी थी, जैसे डिजाइन बताते हैं वही डिजाइन निकाल देती है। प्रचार ऐसे ही किया, जैसे मैंने कहा नहीं पहले तो गाँव गाँव में हुआ, जैसे फिर गाँव वाली आई तो गाँव वाली आपकी आपके गाँव में चूड़ी ले गई, वहाँ पे मेरे चूड़े जाके आपके गाँव में जैसे भाभी को नंद को दिए,
तो वैसे वहाँ पे कोई दुकान कर रही है, उनकी भाभी कर रही है, ननद कर रही है कोई भी, तो उन्होंने मुझे ऑर्डर दिए कि इतने चूड़े 50 चूड़े में मैं दुकान बना रखी हूँ मैंने, तो मेरी दुकान के लिए आपको 50 चूड़े तैयार करने हैं। तो ऐसे ऐसे मेरे अलग अलग गाँव में प्रचार हो गया चूड़े के लिए। सोच रही हैं कि एक बड़ी शॉप कर लें, उसमें पूरा सामान डालने की सोच रही हैं कि पीछे ये काम चल जाएगा, आगे मेरे हस्बैंड भी संभाल ले उनको, तो बड़ी शौक हो जाएगी घर में। हमारा माल बादना जाता है, तारने जाता है, हिसार जाता है, अहमदाबाद भी जाता है, सूरत भी जाता है, टोटल मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है सारा। खेती वाला अगर खर्च में होगा तो ये हमारा बचत रह जाएगा, इसको आप हमारे बेनिफिट होगा कि जैसे बच्चे पढ़ेंगे तो हमें आगे पैसे की तो जरूरत पड़ेगी, खाली एक धंधा करने से तो कुछ नहीं होगा। अभी आपकी हाथ की कारीगरी यही मेरी, तो मैं तो सोचूंगी भगवान सबको ऐसे ही बनाए, सभी लेडीज अब मेहनत करें और आपको काम को आगे बढ़ाएं। देखो खुद के पास पैसे है तो हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, कुछ भी धंधा करो, मैं तो यही सोच रही हूँ, मेरी तो यही सोच है सबसे बड़ी।